खबर है सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में अवैध कब्जा करना महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर उसे कब्जा मुक्त करा दिया। गांव में बुलडोजर देख यहां पर चर्चाओं पर विषय बना हुआ है। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद सभी को इसका जवाब भी मिल गया। आपको बता दें कि दरअसल यह मामला है पूरा बल्दीरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव का, जहां एसडीएम वंदना पांडे सीओ राजाराम चौधरी की अगुवाई में पहुंची टीम ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया, जिसका जिला प्रशासन तो मानते इब्राहिमपुर गांव निवासी शमसुद्दीन द्वारा जगलीनाथ महादेव मंदिर के बगल गाटा संख्या 423 जो खेल मैदान के लिए व गाटा संख्या 417 जो तालाब की जमीन के रूप में सरकारी अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन सालों से इस पर शमसुद्दीन द्वारा दीवार बनाकर इस पर अपना अवैध कब्जा स्थापित कर लिया था, लेकिन प्रशासन ने चले बुलडोजर से सब धराशाही कर दिया। जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे धारियों के साथ संदेश दिया है कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा छोड़ दे, वरना प्रशासन बुलडोजर उसे कब्जा मुक्त करवा देगा। आपको बताते चले कि पूर्व में दुर्गा पूजा महोत्सव के मूर्ति विसर्जन शोभ यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच विवाद हो गया था। इसके बाद ही आपसी सौहार्द के भयमुक्त समाज की स्थापना करने के लिए जिला प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा था। वहीं आज एसडीएम वंदना पांडे ने बताया कि दोनों पक्षों के साथ बैठक हुई है, सभी आपस में भाईचारे के साथ रहे हैं, सभी में आपसी सौहार्द कायम है। मुस्लिम समुदाय को बंद मस्जिद को सौंप दिया गया और वो अपनी अजान और नमाज शांति प्रक्रिया ढंग से सुचारू रूप से चालू कर दिए हैं। ब्यौरा रिपोर्ट, भोलू जहांगीर, अपना सुल्तानपुर न्यूज। यहाँ आप रहती हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? कुछ नहीं, सब हिल मिल के रही, सब खेते जमाने घरे में सब जने हो आई थे जाए तो बोल चाल सब बराबर है, दोनों चीज की चिंता नहीं है। ये अब गांव में कोई दिक्कत या कोई डर का माहौल तो नहीं है अब आप सबके अंदर? नहीं, बाहर के अलावा कुछ नहीं, हम सब एक मिलते हैं। कह रही है एसडीएम मैडम है जी, तो जो हुआ है यहाँ पर वो तो ये लोग आए हैं अपने, बाकी हमारे वो ले लीजिए। आज से नमाज शुरू हो रही है? आज से नमाज वो कह रहे हैं। आप लोग ठीक हैं? कहीं कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, हमारे गांव के जो आदमी है सब मिल के उन लोगों ने मिल के रह रहे हैं, वो उनको भी अफसोस हुआ है सब कुछ, जो कह जो बाहर वाले रहा था हम उसे बता नहीं कब से रहता है। अच्छा, कभी यहाँ कोई समस्या इसके पहले हुई थी? नहीं, हमसे तो गांव से कौन दुकान नहीं, यानी 100 साल से कोई ऐसी समस्या तो नहीं यहाँ आई? नहीं, कभी नहीं आई, अभी भी आप मिल के रह रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं? नहीं, नहीं, आप नीचे कह लिए, इतनी उम्र हो गई आपकी, हाथ नहीं जोड़ी? 75 साल 75 साल में कोई ऐसी समस्या कभी आई है यहाँ? नहीं, नहीं आई ना। अभी आप लोग ये चाह रहे हैं कि हम सब लोग मिल के रहें? हाँ, हाँ। कोई समस्या नहीं है? नहीं। आप लोग को कोई यहाँ भड़काने या कुछ समझाने के लिए तो नहीं आ रहा? नहीं। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? साहब हिंदू है। कौन बिरादरी से? प्रजापति कुहार। तो आप जो है मुस्लिम समुदाय के बीच में है घर आपका? हाँ हाँ। हैं? ये लोग परेशान तो नहीं कभी किया? नहीं साहब। हैं? नहीं साहब। अच्छा, बढ़िया। प्रेम साथ जो है दोनों संप्रदाय के लोगों से बैठक हुई, किस तरह का मैसेज देना चाहती है आप उनको? इस बैठक के द्वारा ये मैसेज दिया गया कि कहीं किसी को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और हिंदू और मुसलमान सभी जैसे पहले से जो है 100 सालों से एक दूसरे के साथ रह रहे थे वैसे ही मिलजुल करके रहें, कहीं कोई समस्या नहीं है। और दोनों पक्षों ने मेरे साथ बैठ करके वार्ता में ये बताया कि वो वर्तमान में ऐसे रह भी रहे हैं, कहीं उन लोगों के बीच कोई वैमनस्यता या वो नहीं है, तो बाहर के लोगों द्वारा कहीं जो है गलत वीडियो चलाई जा रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्ष यहाँ पर पूर्णतया संतुष्ट हैं और अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में सामंजस्य पूर्वक रह रहे हैं। मस्जिद जो अभी बंद थी उसको भी उनके हैंड ओवर कर दिया गया, वहाँ अपनी अजान भी उन्होंने की और वहाँ पे उसका जो है नमाज भी पढ़ा और आगे भी उसको अपना नमाज पढ़ते रहेंगे। उनके द्वारा प्रशासन को धन्यवाद दिया गया कि प्रशासन के कारण जो है मस्जिद में ना कोई क्षति नहीं हुई है और मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसके लिए उन लोगों द्वारा जो है हाँ सारी चीज़ें सुरक्षित हैं, इसको देखते हुए उन लोगों द्वारा जो है प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद दिया गया और सभी लोग अपने अपने घरों में गए और सभी एक आज जिनकी जो आवश्यकताएं थी उसको देखते हुए कुछ गरीब लोगों को जो आर्थिक सहायता संभव थी वो भी दिया गया, जिससे अमन चैन भी कायम रहे और सब लोग ठीक से। 417 और 423 तालाब और खेल के मैदान पे अवैध कब्जा था,
और उसी कब्जे को जो है ये अस्थाई निर्माण था, उनसे वार्ता हुई और उनके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है सरकार का अगर जमीन है तो सरकार ले ले, और उसी क्रम में जो है उनकी सहमति के आधार पर इसको गिरा दिया। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।